अगर आपको इस तरीके से लिखा जा रहा है, डिवाइस रिक्वायर्ड दिस परमिशन टू ऑपरेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोई परमिशन को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे वो बेसिकली होगी नहीं और डिवाइस रिक्वायर्ड दिस परमिशन लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करोगे, ये क्यों नहीं हो रहा, वो आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिए। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ एक बार। यहाँ पर देखिए, अब ये सेटिंग की ऐप परमिशन पे है, ठीक है। सेटिंग का मतलब हमारे फ़ोन की पूरी चीज़ से, मतलब जो चीज़ें फ़ोन की अंदर हो रही है वो सारा सेटिंग ही करता है। और अगर आप यहाँ पर आकर किसी एप्लीकेशन, मतलब किसी परमिशन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डोंट अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन ही बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि सेटिंग को सभी परमिशन की ज़रूरत है। विदाउट परमिशन आपका फ़ोन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अलाउ ही रखना होगा, इस परमिशन को आप जो है बंद नहीं कर सकते, आपको इसे एक्टिव या फिर ऑन ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से आप इसे बंद नहीं कर सकते। बाकी कुछ एप्लीकेशन ऐसे है जिससे आप परमिशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे सेटिंग, जो कि हमारे फ़ोन के बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, उसका ये काम नहीं करेगा। जैसे कैमरा पर भी आएंगे तो कैमरा वाली भी शायद काम नहीं करेगी, कैमरा वाली कर जाएगी आपके लिए, ठीक है। बट जो आपके फ़ोन की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे ये यहाँ पर मैं आपको कुछ और दिखा दूँ, गैलरी वाला भी शायद हट जा सकता है, बट आपका गैलरी वहाँ से उसके बाद चलेगा नहीं, ठीक है। मैसेजेस का अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेजेस के अंदर भी आप जो है परमिशन हटा सकते हैं, ठीक है। बट परमिशन हटा के कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सही से काम नहीं करेगी या फिर आपका ऐप जो है बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।